भारत और सर्बिया के बीच ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और राष्ट्रपति का ये दौरा इन संबंधों को और मजबूती देगा। और वहीं इससे पहले कल बेलग्रेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया। उन्होंने सर्बिया और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच संबंधों में और मजबूती आने की बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस दशक के अंत से पहले विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत और सर्बिया दोनों प्राचीन देश है। आधुनिक युग में सर्बिया के साथ भारत के संबंध विशेष रूप से नॉन अलाइंड मूवमेंट के संदर्भ में मजबूत हुई है। भारत और सर्बिया ने हमेशा एक दूसरे के हितों को समझा है। दोनों देश ने अक्सर प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचारों को साझा किया है।